बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। आज इस लेक्चर से अपनी वेबसाइट को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट टाइम जो हमने काम किया था उसको मैं एक दफ़ा रिकॉल कर देता हूँ कि हमने क्या काम किया था, और इसके बाद फिर फर्दर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि आज हम इस वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले एग्जाम सर्वर स्टार्ट करते हैं और यहाँ से माई एस क्यूएल को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ये स्टार्ट कर लिया माई एस क्यूएल, देन आप यहाँ पर आइए और लोकल होस्ट कॉल, और यहाँ से आप आके लिखिए इस जगह पे आपकी पोर्ट नंबर स्लैश, और यहाँ से आ जाएगा आपका पर्पस। ठीक है, ये ओपन होगा यहाँ से। अच्छा, मेरी पोर्ट नंबर 82 नहीं है, मेरी पोर्ट नंबर 80 है, और जो मेरी डायरेक्टरी है वो क्या है मैं इसको यहाँ से बताता हूँ, और ये है मेरी, तो मैं इसको ओपन करूँगा। तो मेरे पास लास्ट वाला जो काम है जो हमने थीम एम्बेड करी थी वो मेरे पास सामने यहाँ पर आ चुकी है। अब आज का जो हमारा काम होगा वो ये होगा कि हम इसका पहले फ्रंट एंड डिज़ाइन करना सीखेंगे कि हम इसके अंदर किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं चीज़ों को, जैसे कि ये वाला इस सारा ही न्यू अराइवल है, इस तरीके से ये टॉप्स हैं, एक्सेसरीज हैं, यहाँ पर कैसे लिंक लग सकते हैं, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। और हम यहाँ पर आज ये देखेंगे कि फर्दर इस जगह पे जो और चीज़ें जैसे कि कंटेंट है इसके अंदर कुछ मैं नया ऐड करना चाहता हूँ तो कैसे हो सकता है, कुछ चीज़ों को रिमूव करना है तो कैसे हो सकता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आप आइए यहाँ पर और इस जगह पे आपका जो मेन डैशबोर्ड है आप इसको पहले ओपन करिए। डब्ल्यू पी एडमिन लिखिए आप यहाँ पर इस जगह पर, और यहाँ से आप इस जगह पर दे दें मैंने एडमिन, एंड देन मैंने ये भी मैंने इसका एडमिन रखा हुआ। आपके जो भी अकॉर्डिंगली आप जो भी यूज़ करेंगे आप उसको वहाँ पर उसी रिस्पेक्ट से लॉगिन कर सकते हो। देन क्या करना है आपने, आप यहाँ पे डायरेक्टली उस वेबसाइट पे आइए, कंट्रोल प्रेस करें, इसको ओके करें, यहाँ से कंट्रोल प्रेस करें और यहाँ से विजिट साइट कर दें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये मेरे पास ऑप्शन आ गया। अब हम जो यहाँ पर इस जगह पे जो थीम बिल्डर को यूज़ करेंगे जो मैंने स्टार्ट में बताया था वो कौन सा था, वो एडिट विथ एलिमेंटोर था। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपने क्या करा इस जगह पे एलिमेंटोर पे क्लिक कर दिया। ये क्या करेगा, ये आपको एडिट करने का ऑप्शन दे देगा, यहाँ से डायरेक्टली आप किसी भी आप वेबसाइट के पार्ट को डायरेक्टली एक्सेस करके एडिट कर सकते होंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा टाइम लेगा, देन आप यहाँ पे इसको ओपन कर सकेंगे। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है इस जगह पे, तो मैंने इसको यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया, फिलहाल के लिए मैंने क्लोज कर दिया, ज़रूरत नहीं है मुझे इस चीज़ की। अब मैं ये चाहता हूँ लेट्स सपोज कि इस जगह पे यहाँ पे कोई चेंजेस करनी है, जैसे मैंने कहा कि मुझे ये पार्टी वेयर को चेंज करना है, तो मैं बड़ी आसानी से यहीं से ही इसको एडिट कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लेट्स सपोज कि मैं इस जगह पे कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे कहा क्या किया कि मैं इस जगह पर मिटाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मैंने यहाँ पर दे दिया समर कलेक्शन 23 ऐसे। ठीक है, तो मैं जो भी ऑप्शन दूंगा यहाँ पर वो मेरे पास यहाँ पर इस जगह पर आ जाएगा। मैंने कहा नीचे वाला कंटेंट चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर इस जगह पे इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं कर दूंगा लेट्स सपोज कि मैंने इस जगह पे आप कोई भी टैगलाइन लिख दें यहाँ पे इस जगह शॉप विद अस, और ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसे मैं इस जगह पर चाहता हूँ कि ये जो इमेज आ रही है ये चेंज हो जाए, तो इमेज को चेंज कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पर आके सेंटर वाले पार्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ, और देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा एडवांस के नाम से, इस पर क्लिक कर दें। आपके पास यहाँ पे इस जगह पे ये वाली इमेज सॉरी स्टाइल के अंदर आपको यहाँ पर वो इमेज मिल जाएगी जिसको आप चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे कहा कि मुझे यहाँ से कोई और इमेज चेंज करनी है, मैं कुछ और इमेज लगाना चाहता हूँ, जैसे मैंने कहा ये इमेज लगानी है, तो मैं यहाँ पर इस इमेज को यूज़ कर सकता हूँ जो मुझे यहाँ पर यूज़ करनी है। ठीक है, जैसे मैं अभी यहाँ पर ये यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा सॉरी, यहाँ पर इस पर क्लिक नहीं, डायरेक्टली पहले इस वाले लेआउट पे देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है इस पर क्लिक करें, देन आप यहाँ पे स्टाइल पे क्लिक कर लें, तो आपको ये वाली इमेज नज़र आ जाएगी। इस पर क्लिक करके आप यहाँ से उस इमेज को चेंज करवा सकते हैं जो आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं। मैंने सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास देखिए इस जगह पर ये फुल विथ में ये वाली इमेज आ जाएगी। इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको इस जगह पर इसकी चीज़ें मिल जाएंगी जो मैं चेंज करना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, मैंने बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है, तो वो मैं यहाँ से इस जगह पे इसके बिल्कुल सेम कलर भी जो मुझे एडजस्ट करना है मैं यहाँ पर अपने हिसाब से चेंज करवा सकता हूँ। कस्टम कलर देना है, सेकेंडरी कलर देना है, जो भी कलर आप देना चाहते हैं वो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं यहीं से ही यूज़ करवा कर दे सकते हैं जो भी आपने देना हो। ठीक है, तो मैंने कहा मुझे अगर मैं सेम कलर यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर ही इसके हिसाब से जो मुझे कलर यूज़ करना होगा मैं यहाँ पर इसको यूज़ करवा कर यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है,
तो मैंने अभी फ़िलहाल के लिए इसको नहीं छेड़ा, मैंने क्या कर दिया, मैं वापस इसकी इमेज वही लगा देता हूँ जो लगी हुई थी, मैं इसको फ़िलहाल के लिए चेंज नहीं कर रहा। ओके, तो यहाँ से आपने क्या करा, इस जगह पे वही इमेज को यूज़ कर लिया जो लगी हुई थी, सेलेक्ट किया और इसको फ़िलहाल के लिए यही यूटिलाइज़ कर लिया। बैकग्राउंड कलर को आप कोई और कलर दे दें, तो मैंने यहाँ से कलर कर दिया इसको फ़िलहाल के लिए कोई लाइट सा जो इसके साथ एडजस्ट हो सकता। ठीक है, तो कोई भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट करवा लें, मैं फ़िलहाल चला इस तरह से कोई भी एक कलर दे दूँगा। अब क्या करना है, अब मैं इसके अंदर कोई मैंने ये चीज़ चेंज कर ली, अब मैं इसको अपडेट करता हूँ। मैंने यहाँ से अपडेट पे क्लिक करा। ठीक है, अपडेट होने के बाद आप यहाँ पे हैव अ लुक पे क्लिक कर सकते हैं, मतलब प्रीव्यू चेंजेस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास यहाँ पर जो मैंने चेंजेस की थी वो यहाँ पर आ गए। अच्छा, अब एक बात देखिए, यहाँ पर ये नेविगेशन बार बना हुआ आ रहा है जो वर्डप्रेस का अपना टेम्पलेट है, उसका डैशबोर्ड का है। तो जब मैं इसको इंक्रॉग्निटो पे ओपन करूँगा ना, तो मुझे ये वाला हिस्सा नहीं दिखेगा। ये सब कब दिखेगा, खाली बस जब आपके पास आप इसको यूज ऐसे कर रहे होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इस जगह पे लोकल होस्ट वर्डप्रेस, सॉरी ये वाला नहीं है। तो जब मैं इसको ये वाला यूज़ करूँगा, तो मुझे वो क्या करेगा, यहाँ पे नेविगेशन बार वाला नहीं देगा आपको, जस्ट लाइक अ वेबसाइट इस जगह पे नज़र आएगी। ये तो पीछे इमेज आ रही है, अब इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। कैसे आ रही है, क्योंकि मैंने पीछे यूज़ करी थी, इस वजह से मुझे वो यहाँ पर दे रही है। इसको क्लोज करता हूँ, क्रोम खोलता हूँ, यहाँ से वापस आता हूँ और मैं दोबारा इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये देखें इमेज आ रही है। इसको मैं क्या कर दूँगा, यहाँ से जाकर वापस यही इमेज लगा दूँगा, या फिर जो भी आपने कुछ अलग से लगानी है तो मैं वो लगा दूँगा, ताकि वो चीज़ वहाँ पर बुरी ना लगे। तो वो रिपीट करवा लें या फिर आप ना करवाएं, आपके ऊपर। अब अगर मैं इस पर कोई एनिमेशन लगाना चाहता हूँ, कोई चीज़ इस पर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो वो भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप मैंने कहा कि मुझे यहाँ से कोई एनिमेशन देनी है, तो मैं इस तरह से इसको फेड करवा सकता हूँ, इस तरह से मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। तो आपके ऊपर है कि आप इसके अंदर से कोई भी चीज़ों को यूज़ करवा सकते हैं, जो भी आपको 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 ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मैंने कहा इस तरह से, तो आप कोई भी चीज़ यहाँ पे दें, ये आ जाती है पहली बात आपकी यहाँ पर कि आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। देन मैंने कहा मुझे इस पर क्लिक करना है, मैंने यहाँ पे क्लिक करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इस पे क्लिक होने पे ये कहाँ चला जाए, ये मेरे कलेक्शन वाले टैब पे चला जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर आके पहले कलेक्शन वाले इसका ओपन करता हूँ यूआरएल, और जो ये यूआरएल होगा ना, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ ला कर इस पर क्लिक करूँगा, और जहाँ पर ये एंकर का टैग लगा हुआ, लिंक लिखा हुआ है, यहाँ जाकर पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर आइए दोबारा से, और यहाँ पर ला कर आप इसको कर देंगे अपडेट। इस पर क्लिक कर दें, तो ये क्या करेगा आपको इस जगह पर, ये मुझे देखिए ऑटोमेटिकली खुद से अपडेट हो गया। मैं यहाँ पे आई क्लिक करता हूँ, तो मुझे ये उसी कलेक्शन के पेज पे ले जाएगा जो मेरा वाला, जहाँ पे मैं इसको नेविगेट करना चाहता था। अच्छा, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये हम डायनामिकली ऐड करके देखेंगे, ये सारे पीछे से ऐड हुए हैं, इसकी बात हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं ये चाहता हूँ कि मैंने इस जगह पर ये लेटेस्ट कलेक्शन वाला पार्ट आ रहा है इस जगह पे, ये आपको मैंने बता दिया, इसको हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आपने ऐड करवानी है, साइज़ वगैरह आप यहाँ से दे सकते हैं। मैंने इसको स्मॉल कर दिया, इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर जो मुझे चेंज करवाना है। जैसे मैंने कहा मुझे मेरे पास ये वाला हिस्सा आ रहा है, तो मैं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करवा लूँगा जो मुझे यहाँ पर यूज़ करवाना है। सेकेंडली मैंने इस पर क्लिक करा, मैं इस जगह पर आता हूँ, मैंने यहाँ पर इसको दिया स्पेस। अब यहाँ से देखिए आप इस तरीके से स्पेस को भी एडजस्ट करवा सकते हैं। मैंने कहा बॉटम पे है या स्पेस बिटवीन रखना है, जो भी आपने देना है वो आप यहाँ से इसको एडजस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, और अब यहाँ से क्या, अगर आप इसकी स्टाइलिंग फर्दर करना चाहते हैं, कोई बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहते हैं, वो यहाँ से हो सकती है। और ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं कि आप इसमें क्या यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक करा, मैंने इसका कॉन्टेंट चेंज करना है, तो मैंने यहाँ पर दे दिया इस जगह पर समर कलेक्शन, इस तरह से दे दिया। साइज छोटा करना चाहता हूँ, मैं H3 की जगह इसको H4 कर दूंगा, तो ये साइज़ मेरा यहाँ पर इस जगह पे छोटा हो जाएगा। तो जो भी मैं यूज़ करना चाहता हूँ वो सारे के सारे यहाँ पर आ सकते होंगे। स्टाइल में आइए, अब मैंने यहाँ पे कहा कि जो मुझे इस जगह पे जो मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, मैं इसकी पोजीशन को सेट करना चाहता हूँ, तो ये भी हो सकता है यहाँ से, इसके बाय डिफ़ॉल्ट अपने होते हैं। तो मैंने इसको यहाँ से जो भी एडजस्ट करवाना है वो मैं सारे के सारे यहाँ से इसको एडजस्ट करवा कर यूज़ कर सकता हूँ, जहाँ पर मुझे यूज़ करना है। मैं खुद ड्रैग भी कर सकता हूँ इसको अपने हिसाब से, जहाँ मुझे इसको ट्रैक करना है तो मैं इसको डायरेक्टली उसी जगह पे प्लेस करवा के ला सकता हूँ। अब ये आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर इसके अंदर भी ऑप्शंस हैं कि आप इसको कैसे आप और ट्रांजिशन वगैरह अप्लाई करवा सकते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप इसको किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। ओके, मैं चाहता हूँ मैं इसको रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, सिंपल क्लिक करा क्लोज पे, ये रिमूव हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, लेट्स सपोज कि मैंने कहा मुझे ये ब्लॉग भी ऐड नहीं करना, तो मैंने कहा कि मैंने इस पर क्लिक किया
और मैंने कहा मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको भी यहाँ से फ़िलहाल के लिए रिमूव कर दूंगा, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कुछ एडिशनली यहाँ पे यूज़ करवा सकता हूँ, इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने कहा मुझे यहाँ पे मैप ऐड करना है, मैं गूगल मैप ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं एक कंटेनर ले लूँगा जो मुझे यहाँ पे यूज़ करना है। इसके अलावा मैं कुछ और भी चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे ये यूज़ नहीं करना, मैं चाहता हूँ कि कोई टैम्पलेट यूज़ कर लूँ, तो वो भी मुझे यहाँ से मिल सकता है। कुछ फ्री पेजेस मुझे यहाँ से कंटेंट मिल सकता है जो मैं यहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, जो मैं यहाँ पर जैसे मैंने कहा ये फ्री है ये फ्री है, तो मैंने कहा अबाउट द कंपनी फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये ले, हम इस तरह से यहाँ पे वीडियो लगाना भी सीख लेंगे कि हम वो किस तरीके से यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं। तो मैंने इंसर्ट किया, यहाँ से वो आपसे पूछेगा मैं इस जगह पर इंसर्ट करवाता हूँ, तो मुझसे वो कहेगा लॉगिन करने के लिए, तो यहाँ पर मैं फर्दर इसके अंदर जो इसकी प्रोसेस है वो मैं यहाँ पर यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। जो मेरे पास इसकी आईडी पासवर्ड है मैं गूगल से लॉगिन कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, और मैंने अपने अकाउंट से इसको लॉगिन कर लिया, इस जगह पर कंफर्म कर दिया, और बस अब यहाँ पर इसको फिलहाल के लिए जैसे मैंने कहा कि मैं किसी और से यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इस तरीके से एक अकाउंट से रजिस्टर कर लिया इसको, और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जब ये रजिस्टर हो जाएगा आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दे देगा इंसर्ट करने का, तो बस जैसे ये लॉगिन होता है यहाँ पर देखिए मेरे पास यहाँ पर अबाउट द कंपनी का ऑप्शन आ गया, यहाँ पर वो वीडियो का ऑप्शन दे देगा। अब मैं यहाँ पर वीडियो अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने क्लिक किया इस जगह पर, स्टाइल में आता हूँ, जो मेरे पास ये पूरा ऑप्शन आ रहा होगा जिस जगह वो जिसको ऐड करवाना है, मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ से, और यहाँ से क्या करेंगे आप इस लिंक पे क्लिक कर लेंगे एडिट पे। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास एक वीडियो का लिंक आ रहा है, मैं इसको मिटाऊंगा यहाँ से। लेट सपोज कि मैंने कहा मुझे कोई लिंक यूट्यूब का प्ले करना है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर इस जगह पर आता हूँ और मैं कोई अपना ही लिंक इस जगह पर चला लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई भी एक लिंक दिया, लेट सपोज कि ये वाला, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ लिंक को, मैंने यहाँ से राइट क्लिक किया, कॉपी किया, कॉपी आप यहाँ पे देंगे लिंक एड्रेस, और फिर आप यहाँ पे क्या कर देंगे इस जगह पे इसको लाकर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और आप इसको अपडेट कर देना, आपको भी देखिए वो करंट वीडियो का पूरा लिंक लाके देगा। इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, ऑटो प्ले करना है, म्यूट करना है बाय डिफॉल्ट, प्ले कंट्रोल्स देने हैं नहीं देने हैं तो वो आपके ऊपर है, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं इसको। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर अगर देना चाहते हैं तो दे दें। इसके अलावा क्या हो सकता है आप इस जगह पर कि आप जो भी आपके ऑप्शन है वो आप यहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मैंने कहा मुझे यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी यूज़ करनी है, देखिए यहाँ पर आपको कुछ और सोर्सेज भी हैं, YMO है, डेली मोशन है, तो आपके ऊपर है कि आप ये वाले भी यहाँ पे यूटिलाइज़ करवा सकते हैं, तो आपके ऊपर है कि आप यहाँ पे किस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरीके से वो चल सकता होगा, डायरेक्टली वो वीडियो प्ले हो जाएगी जो भी आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। पोजिशन भी सेट कर सकते हैं, फुल विड्थ करना चाहते हैं यहाँ पर इसको आप फुल विड्थ भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने कहा इसको और भी कोई साइज़ देना चाहते हैं, कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, विड्थ बढ़ाना चाहते हैं, तो देखिए इस तरीके से आप इसकी फुल विड्थ कर सकते हैं। ये लास्ट इसकी जो लेंथ है लिमिट है वो आप ये कर सकते हैं, और इसके अलावा ये एब्सोल्यूट और ये पोजीशनिंग सेट हो जाएगी इसकी, इस तरीके से आप ये भी दे सकते हैं। तो आपके ऊपर है इसकी पोजिशन को आप किस तरीके से साइज़ सेट करवाना चाहते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा कि इस जगह पर हम किस तरीके से वीडियो एड कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं इसमें बता देता हूँ, देन फिर हम इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ऐसा काम कि हम यहाँ पर फॉर्म को किस तरीके सेट करवा ये चले, हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे कि हम फॉर्म किस तरह सेट कर सकते हैं, एंड देन फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे कि इसमें और क्या क्या चीज़ों को हम फ्रंट एंड के अंदर हम मॉडिफाई करवा सकते हैं। फिर हम जो है वो नेक्स्ट उसके ऊपर जाएंगे कि किस तरीके से बैकएंड पे काम करें, तो फर्स्ट हम सारा पहले फ्रंट एंड कम्प्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम बैकएंड की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए वेट कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं और अगर मेरा कॉन्टेंट समझ में आया हो तो उसके लिए आप उस मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर कोई मसला हो तो मुझे कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको उस चीज़ के लिए सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए वेट कीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।